चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविष्टं एकैक अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं आनंदकानने यस्मिन् जंगम तुलसीतरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमण भूषिता कंदाक्ष स्वामी जी ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता महाराष्ट्री राजन्य सूर इकवो दिव्यादि महारथो जायतां दोग्री धेनुर्वोढ़ा नर्वाना सुसप्ती पुरंधर जोगाज सुरधिष्ठा सभी योजुवाच्य जजमानच वीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो वरखतो फलवद्यो न ओकदि पच्यंताम योगक्षेमो न कल्पतम बोले राघवेंद्र सरकार की बोले हनुमान जी महाराज की बोले स्वामी जी महाराज की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से श्री शिवदत्त जी शर्मा दाधीच एवं उनके परिवार तथा इष्ट मित्रों के सहयोग से श्री रामचरितमानस सरिता गंगा में चौथे दिन के लाभ के लिए हम आगे बढ़े उससे पूर्व महाराज श्री के अभिनंदन के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं श्री आशुतोष जी शर्मा महंत बालाजी मार्केट बालाजी मंदिर पंडित देवकी नंदन जी सनाध्य मुझे अब कहने की जरूरत नहीं कि आप अपनी करताली का उपयोग करें मंगरो श्री रामचंद्र जी मुंदड़ा श्री जानकीलाल जी तोतला मांडल श्री राधेश्याम जी त्रिपाठी श्री सत्यनारायण जी दानी श्री नंद किशोर जी शर्मा श्री ओम प्रकाश जी दाधीच श्री रमाकांत जी जोशी श्री ओम प्रकाश जी कंठ सुभाष नगर श्री मिठुलाल जी स्वर्णकार श्री योगेश जी शर्मा लेक्चरार संतगणों को माल्यार्पण करने के लिए मैं शिवदत्त जी से उनके परिवार से अनुरोध करूं वे पधारें और संत श्री रामदास जी रामायणी हनुमान धाम ट्रांसपोर्ट नगर वालों का अभिनंदन करें महंत श्री संतदास जी हाथीभाट वाली श्री दयालु जी महाराज सांगानेर श्री कृष्ण कृपामूर्ति विशाल जी अवध क्षेत्र वाले बाल योगी श्री राजेंद्र जी ओंकारेश्वर इसी बीच मैं एक प्रबुद्ध सज्जन को आमंत्रित करूं श्री सत्यनारायण जी दाधीच वे पधारें और महाराज श्री के कर कमलों से एक रामचरितमानस की पुस्तक गुप्त सज्जन ने पढ़ने के लिए उनको भेंट स्वरूप दी है वे भी शीघ्रतापूर्वक मंच पर पधार कर महाराज जी के कर कमलों से श्री सत्यनारायण जी दाधीच गुप्त रूप से निशुल्क एक सज्जन के द्वारा उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना और आपसे आग्रह हुआ आप इसको पढ़ेंगे
भगवान की कृपा का चमत्कार जो मेरे को महसूस हुआ, भाई साहब श्री शिव दत्त जी शर्मा दाधीज के द्वारा ये इतना विशाल आयोजन मेरे दृष्टिकोण से उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा का प्रसाद है। मुझे ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा और आपके साथियों के द्वारा प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को अखंड रामचरितमानस का पाठ ब्राह्मणों की कुई पर निरंतर 25 से 30 वर्ष या इससे ऊपर हो गए। मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि आज इस रामचरितमानस की गंगा का प्रवाह उनके सौजन्य से हो रहा है। यहां तक ही नहीं, दोनों नवरात्रि में आपके वहां आइए, कथा में प्रवेश करने के लिए कुछ निवेदन करूं। साधना समर्पण और भगवान की कृपा से उस निराकार परब्रह्म को साकार रूप में अवतरित ज्ञान और भक्ति के संयोग से किया जा सकता है। मनु ने मांग्यो एक सुत, मनु ने मांग्यो एक सुत प्रभु प्रगटे हुए चार, मनु ने मांग्यो एक सुत प्रभु प्रगटे हुए चार, अति उदार दरबार है या में कौन विचार। कोटि कल्प काशी बसो, कोटि कल्प काशी बसो मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी बार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी बार। कि मधुमास लगा सित पक्ष हुआ, मधुमास लगा सित पक्ष हुआ नवमी दिन मध्य महासुख छाया, ग्रह बार तथा तिथि योग सभी शुभ लग्न मुहूर्त मनोहर आया। चली वायु सुगंधित पुष्प खिले सरिता उमड़ी खग वृंदन गाया, ओ इसी काल अयोध्या में भूपति के ग्रह निर्गुण ब्रह्म ने रूप दिखाया, निर्गुण ब्रह्म ने रूप दिखाया। निज वंश का वैभव देख सखी, निज सूर्यवंश में उतार लिया, निज वंश का वैभव देख सखी रवि शोभा अपूर्व निहार रहे, छवि देखत मास व्यतीत हुआ विधि विश्व विधान विचार रहे। डमरू लिए शंकर द्वार खड़े सुत दर्शन हेतु पुकार रहे, नर किन्नर चारण देव सभी कर हर्ष मही जयकार रहे। बाल गोपाल के दर्शन हुए कि छोटे पद पानी लाल, छोटे पद पानी लाल छोटी अंगूरी है लाल, ओ छोटे नक लाल छोटी रेखा लाल लाल है, ओ कलित कपोल लाल लोचन ललित लाल अधर अनूप लाल लाल मुख लाल है, लाल लाल भूषण बसन तन लाल रसिक बिहारी सब साज भोन लाल है। लाल लाल पलना में फूलन की सेज लाल, खेले रूप लाल सो खिलौना लाल लाल है। बर दंत की पंगति कुंज कली, बर दंत की पंगति कुंद कली अधरा पर अधर अधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। गुंगराली लटे लटके मुख ऊपर सुंदर गाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ लला इन बोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ लला इन बोलन की। कई कारण हुए कि भगवान ने अवतार लिया,
लेकिन मिथिला वाले क्या कहते हैं कि को कहे आए प्रभु असुर सहारी वे को कह आए प्रभु असुर सहारी वे को कहे भूमि भार टारी वे को आए हैं, को कहे दीन दुख दारी वे को आए नाथ, को कहे पतित उधारी वे को आए हैं, को कहे चरित्र आदर्श प्रागत्य प्रभु जीवन के जीवन को सुधारवे को आए हैं। लेकिन मिथिला निवासी कहे नारायण नरवेश नरहु में वरवेश धारवे को आए हैं, नारायण नरवेश और नरहु में वरवेश धारवे को आए हैं। मैं तो आप सब की ओर से महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार वंदन करता हुआ वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरवसमाहितयोगिचित्तम् हंसुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जं अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताऊं, भिखारी और साधु की जो बाहरी रहनी है लगभग एक जैसी है, न भिखारी के पास कुछ न इनके पास कुछ, लेकिन एक अंतर है, भिखारी के जीवन में जो बाहर का अभाव है उस अभाव का उसके मन में भाव है, पर साधु के जीवन में बाहर के अभाव का कोई प्रभाव भाव में नहीं है। इसलिए हमारे पंजाब प्रांत में भक्त लोग गाते हैं, बहवरे 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 मौज फकीरांदी बहवरे मौज फकीरांदी बहवरे मौज फकीरांदी बहवरे मौज फकीरांदी मौज फकीरांदी